उन लोगों को थोड़ी थोड़ी किसानों जाकर मस्जिदों को और दरगाहों को नुकसान पहुंचाओ। जब हम ये बात कह चुके अपनी तकरीर में तो उस वक्त कांग्रेस के लोग भी मौजूद थे, जेडीयू के लोग भी मौजूद थे, खामोश बैठे रहे थे। आज राजद और कांग्रेस मिलकर आते हैं, पूछिए इनसे दिल्ली का फसाद हुआ क्या बोला गया था। यही दिल्ली के फसादात के बाद राजद का एक नौजवान लीडर जेल में डाल दिया गया। अब तक राजद के लोग उसके बारे में बात क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि उसको मुसलमान था, वो मुस्लिम अकलियत से ताल्लुक रखता था। राजद डरती है अगर उसका नाम लेंगे तो कहीं बीजेपी को फायदा ना पहुंच जाए। हर काम करते, हर चीज करते, मगर जब मजलूमों के इंसाफ और उनके हक की बात आती है खामोश बैठ जाते हैं। पूरे देश में कोरोना शुरू हुआ, आप सोचिए जब कोरोना को मोदी कंट्रोल नहीं कर सके तो मोदी के चेहरों ने कह दिया ये कोरोना देश में इसलिए फैल रहा है क्योंकि तबलीगी जमात ने इसको फैला। कहा था ना, अब आप बताइए बीमारी का कोई मजहब होता है कि हम कोरोना को बुलाकर बोले बोले पहले करना अशदुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मुसलमान कर दिए उसको? बीमारी का कोई मजहब होता है क्या? मगर बीजेपी आरएसएस के लोगों ने कह दिया कोरोना जिहाद कर रहे हैं। कोरोना जिहाद, देश में 80 लाख लोगों को कोरोना हो गया, देश में 80,000 लोग मर गए कोरोना की वजह से, मगर बीजेपी कह रही है कोरोना जिहाद। क्या जब ये बात कही गई इसी तरह तबलीगी जमात को बदनाम करके हमारी माँ और बहने बड़ी तादाद में, सुनो मेरी माँ और बहने, लखनऊ में आंध्र प्रदेश की एक महिला जो हामिला थी, गर्भवती थी, उसके पेट से पानी जारी शुरू हो गया, 9वां महीना था, तो बीजेपी की सरकार ने उत्तर प्रदेश लखनऊ में हमारी बहन को सही वक्त पर अस्पताल लेकर नहीं गए। उसका बच्चा पैदा हुआ मगर उसका इंतजार हो गया। क्यों? क्योंकि तबलीगी जमात कह दिया कि तबलीगी कोरोना जिहाद कर रहे हैं। एक मुसलमान लड़का हिमाचल प्रदेश का दिल्ली से वापस गया तो पूरे गांव के लोगों ने कहा कि तू कोरोना लाया, कोरोना लाया, पूरा गांव उसके पीछे पड़ गया, वो खुदकुशी कर गया। अब आप बताइए जब तबलीगी और कोरोना जिहाद की बात हो रही थी, किसी एक जेडीयू या राजद के नेता का मुझे बयान बता दो किसी ने मुंह नहीं खोला, किसी ने मुंह नहीं खोला, कोई नहीं कहा। मकसद क्या था कि कोरोना जिहाद के नाम पर भारत में मुस्लिम अकलियतों के ताल्लुक से नफरत पैदा कर दी जाए, नफरत पैदा कर दी जाए ताकि लोग नफरत पैदा हो जाए। कौन उठकर उनका जवाब दिया? हम ही थे जो उठकर कहा कि नहीं, कोरोना का कोई मजहब नहीं होता, तबलीगी जमात नहीं फैला सकती और जिहाद को इससे नहीं जोड़ा जा सकता। आज राजद के लोग आकर बोलते हैं आओ वोट दो हमको, जेडीयू के लोग आकर पूछते आओ वोट दो हमको, अरे तुम क्या सिर्फ इलेक्शन में आओगे? जब आम दिनों में हम पर हमले किए जा रहे थे, हमको बदनाम किया जा रहा था, हमारी माँ और बहनों का हमल साकित हो रहा था, हमारे बच्चे बीजेपी आरएसएस के दानों की वजह से खुदकुशी कर लिए, तो न राजद थी न जेडीयू था, कौन उसके खिलाफ आवाज उठाकर लड़ रहा था? उसका राम मंदिर से इत्तेहाद मुस्लिम। और फिर हर चीज को लाकर प्रधानमंत्री राम मंदिर का भूमि पूजन किए, किसने कहा कि प्रधानमंत्री को बहसियत प्रधानमंत्री नहीं जाना चाहिए? प्रधानमंत्री अगर वहां पर गए तो ऐसा दिखेगा कि वो किसी एक बादे फौज के बादशाह हैं, वो किसी सरजमीन का कब्जा की है या कामयाबी हासिल करके गए। क्या राजद ने कहा? सोचो जवाब को मेरा। क्या राजद ने कहा? क्या जेडीयू ने कहा? हमने कहा तो हमको बदनाम करना शुरू कर दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये राजद से पूछिए, राजद और कांग्रेस एक साथ है गठबंधन में, महाराष्ट्र
मिश्रा में कांग्रेस के साथ शिवसेना है और शिवसेना का मुख्यमंत्री कहता है कि हमने राम मंदिर को तोड़ा, हमारे एक करोड़ लोग गए थे कांग्रेस उनके साथ सत्ता में महाराष्ट्र में। ईंटें बिछाई गई, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है कमलनाथ, सबका मुख्यमंत्री राजद कांग्रेस के साथ है और आज को जो दमन में आकर कहे वो ऐसी भाषा भाषण देता है, वो ऐसी नफरत फैलाता है, वो ऐसी की वजह से वो जीतता है। अरे याद रखो, अब तुम्हारी कोई दलील काम में आने वाली नहीं है इंशाअल्लाह ताला। कोचा दामन की जनता ने, कोचा दामन के बुजुर्गों में, कोचा दामन की हमारी मां और बहनों में, कोचा दामन के हमारे भाइयों और नौजवानों ने फैसला कर लिया कि राजद में और जेडीयू में कोई फर्क नहीं है। क्या कहा था इधर अस्सी से अपने गोल को सियासत जानते, तुम बहुत सियासत खेल लिए। जब जेडीयू ने देखा कि एक मर्द को नहीं हरा सकते तो क्या दोनों मिलकर हराएंगे, अरे तुम दो क्या तुम सौ मिलकर आ जाओ इंशाअल्लाह अल्लाह को यहां के मारे ये मेरे दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, ये इनका असली चेहरा है जो आपको समझने की जरूरत है। ये राजद के लोगों से पूछो, जेडीयू के लोगों से पूछो, जब भारत की पार्लियामेंट में, भारत के संसद में CAA NRC का कानून लाया गया था, किसने भरी पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी के सरकार के रखों में आगे जाकर कहा यह CAA NRC का कानून भारत के संविधान के खिलाफ है, ये मजहब के नाम पर मुसलमानों से नाइंसाफी करता है। हमने पूरे पार्लियामेंट के सामने, देश के सामने, मोदी के 308 MP के सामने, जेडीयू के 17 MP के सामने हमने उस बिल को फाड़ कर कहा आंख लाकर राजद बोलती है हमको वोट दो, जेडीयू बोलती है हमको वोट दो, ट्रिपल तलाक का मसला हुआ तो ऐसी बोले, इस्लाम को घोष के नाम पर मारा गया तो ऐसी बोले, पीलू खान को जयपुर की रोड पर मारा गया तो ऐसी बोले, CAA NRC पर बिल फाड़े तो ऐसी करे, सब चीज ट्रिपल तलाक का हम करे और ये क्या करे, इलेक्शन आते ही ए बाबा ठीक है ठीक है। नहीं करोगे, फिर हमने ऐसा किया, हमने चांद से तारे तोड़ कर लाए, अरे तुम्हारे चांद के तारे तारे कुछ नहीं, तुमने कोचा दामन में एक रेलवे स्टेशन नहीं बनाया, हम वादा कर रहे हैं कोचा दामन में रेलवे स्टेशन बनाएंगे। कोचा दामन में बाढ़ से जमीन कट जाती है, बाढ़ से जमीन कटती है, बिहार सरकार का कानून यह है कि जिसकी जमीन कटती है उसको 5 डिसमिल जमीन या जमीन के बस पैसा मिलना चाहिए। बोलो पैसा मिला, पैसा मिला कि वोट दोगे, अब दे रहे पैसा, अब बात करें पैसा हो तो हम लोग जमीन कट गई तो जब सरकार का कानून है कि बाढ़ आती है तो 5 डिसमिल जमीन मिलना है गरीब को, जब नहीं आए अब आकर बोल रहे नहीं 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 ओएसी आएगा जज्बाती बात करेगा। अरे याद रखो, जज्बात उसी में रह होते जो जिंदा रहता है, जो मुर्दा रहता है उसका सरकार। जज्बाती बयान की बात जब कर रहे हो तो राजद वालों से पूछो, बिहार में शेरघाटी एक विधानसभा है, बिहार में शेरघाटी विधानसभा है, शेरघाटी में राजद ने किसको डील दिया मालूम आपको, राजद जो जाकर वोट मांग रहे हैं RSS की दुर्गा वाहिनी के को उम्मीदवार बनाया था, शेरघाटी से RSS के उम्मीदवार को शेरघाटी से राजद ने वोट दिया। हमको वहां पर राजद के लोगों ने फोन करके कहा ओवैसी आओ, हम राजद को छोड़ रहे हैं, शेरघाटी को बचा रहे हैं, दुनिया से कांग्रेस खड़ा करना।
हम लोग खास किया, हम शेरगाजी गए, हमारे उम्मीदवार को खड़ा किए। आपको मालूम कितनी भीड़ आई हमारे जलसे में, 30-35 हजार लोग थे उस जलसे में। सबने कहा कि राजद ने धोखा दिया, लालू का फोटो दिखाया और आरएसएस को यहां से टिकट दिया। ये इनका असली चेहरा है, कोई नहीं बोलेंगे जब आपको बात आती है। नीतीश कुमार ने बिहार में एनपीआर एनआरसी शुरू कर दिया था और कोरोना ने सिर्फ किया। अगर आप ये इलेक्शन सिर्फ इशार अश्विन को जिताने का नहीं है, ये इलेक्शन कोचादामा और सीमांचल में आपकी क़यादत को, आपकी पार्टी को, आपकी बेबाक लीडरशिप को बढ़ाने का कुदरत का काम है। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि वोट डालने जब जाएंगे तो सिर्फ ये नहीं बल्कि पूरे सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई लड़ना। सबसे बड़ा पसमानदा इलाका भारत का सीमांचल का है। 15 साल आपने राजद को वोट दिया, 15 साल आपने राबड़ी देवी और लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाया, 15 साल आपने नीतीश कुमार को वोट दिया। क्या आप एक मरतबा इस दीवाने का साथ नहीं दे सकते? एक मरतबा हमारा साथ नहीं देंगे? मेरा कोई जाति अपराध नहीं है, मेरा एक ही मकसद है, मेरी जिंदगी के 6-7 मकसद है, उसमें एक ही है कि सीमांचल से इंसाफ हो और मैं जब तक जिंदा रहूंगा सीमांचल के इंसाफ होगा। इंसाफ और इंसाफ कब होगा? क्या इंसाफ होगा अगर राजद का या जेडीयू अपनी जाएगा विधानसभा में तो इंसाफ होगा? इंसाफ कब होता है? इंसाफ उसी से होता है जो रोना नहीं जानता, इंसाफ उसी से होता है जो लड़ना जानता है, इंसाफ उसी से होता है जो अगर हक नहीं मिला तो जालिम से पंजा अटकाई करके हक को छीन सके। इंसाफ उतारने से नहीं होता, इंसाफ के लिए लड़ना पड़ता है। इंसाफ के लिए सियासी ताकत की जरूरत है जो आज सीमांचल की सरजमीन में मल्य सत्याग्रह और मुस्लिम आ चुकी है और इजाजत भी आपके सामने खड़ा लाना चाहते हैं। इसीलिए बात से कह रहे हैं कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। और आखिर में जाते जाते आपको एक चुटकुला सुना के रहा, एक गोलटू के बारे में। गोलटू 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 जब क्वारंटाइन लगा किशनगंज में, क्वारंटाइन जानते हैं ना, हमारा प्रवासी मजदूर आ रहा था कोटा धामन किशनगंज को, तो क्वारंटाइन में रखा गया बच्चों को, तो उनको खाना नहीं पानी नहीं, बच्चे परेशान, कोई नहीं क्या देखने। और मेरा कौन गया, कौन गया, कौन सफल हो, राजद को जेडीयू के नेता फोन लगाया उसको, अरे भैया पानी नहीं है, खाना नहीं है, परेशान है। तो राजद और जेडीयू के नेता के फोन से आवाज आई, आप किस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं? वो इस समय उपलब्ध नहीं है। तो उसी नेता दोबारा लगा, फिर वही आवाज है कि आप किस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं? वो इस समय उपलब्ध नहीं है। उसके बाद आपने देखा कि हार और चले गए, अकोरली मार गए, कमर डोला गए, उन मतदानों को निराशा दिलाया, हिम्मत दिलाई। अब जब इलेक्शन आ गया और कोचादामन की जनता ने, सीमांचल की जनता ने फैसला ले लिया कि कांग्रेस का साथ देंगे, यहां से कामयाब करेंगे, राजद और जेडीयू के नेता कोचादामन की जनता को फोन लगा रहे, भाई फोन उठा और फोन उठा, फोन लगा रहे। तो आपके फोन से क्या पैगाम जा रहा है राजद और जेडीयू को मालूम आपको? आपके फोन से क्या जवाब जा रहा है? जब आपने फोन लगाया था तो उनके फोन से आवाज आ रही थी, आप किस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं? वो इस समय उपलब्ध नहीं है। अब जब राजद और जेडीयू आपको फोन लगा रही है, आपके फोन से आवाज आ रही है राजद और जेडीयू को,
आपने कॉल किया है वही दूसरा